हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ हसन चौधरी, योर साइंस टीचर। टुडे वी डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, क्लास टेंथ, केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चेंज हुआ, अगर कोई भी केमिकल चेंज है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन का मतलब चाहे उस सब्सटेंस का नाम लिखकर, चाहे सिंबल लिखकर, जैसे मैंने लिख दिया C+O2, इससे क्या मिल गया हमको, CO2, ठीक। तो ये जो है इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम C की जगह कार्बन लिख सकते हैं, O2 की जगह ऑक्सीजन लिख सकते हैं, CO2 की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन का मतलब कोई भी केमिकल चेंज हो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और ये जो इस तरह से लिख रहे हैं सिंबल के रूप में और किसी रूप में, इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन देखिए लिखा गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, केमिकल इक्वेशन का यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया कि क्या होता है केमिकल इक्वेशन। तो लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये जो एरो लगा है, एरो के जो राइट साइड में होता है वो प्रोडक्ट होता है, और एरो के जो लेफ्ट साइड में होता है वो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे सिंबल यूज किया गया है कि Mg+O2 gives MgO, तो इस तरह से सिंबल के रूप में लिखा जाता है। जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम लोग सिंबल के रूप में लिखते हैं, और जो सॉलिड होता है उसको अकेले लिखते हैं, जैसे Mg लिख दिया गया है। अगर कोई गैस होता है तो उसकी एटॉमिसिटी के अनुसार उसको लिखते हैं, जैसे O2 यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे अगर कोई और गैस होता तो उसकी एटॉमिसिटी के अनुसार ही लिखते हैं। जैसे गैसेज अक्सर जो है डाई एटॉमिक ही है, जैसे नाइट्रोजन है उसको N2 लिखा जाता है। फिर बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन अगर आप लिख दिए हैं तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करने के लिए देखिए ऐसे कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख दिए, एक में लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए कि LHS, देखिए LHS, और यहाँ क्या लिख दिए RHS। ये राइट लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं उसमें, उसको लिख लिए, और लिखने के बाद में ये देखा जाता है कि कैसे इसको बैलेंस करेंगे। जैसे मान लिया इसमें जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन है, उससे कितने कितने एलिमेंट किधर किधर है। अगर दोनों में राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में सेम नंबर होता है आइटम्स का, तब उसको हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर नहीं बैलेंस होता है तो बैलेंस कर लेते हैं, जिसके यहाँ पे देखिए कुछ मेथड दिया गया है कि किस तरह से हम लोग बैलेंस करेंगे। इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या होगी तो हम फिर बता देंगे कैसे बैलेंस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाई सोडियम मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ़ क्यों किया जाता है। इसलिए बच्चों कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको साफ़ कर किया जाता है, तो वो जलेगा नहीं। राइट द बैलेंस रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इनका देखिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। जैसे H2+Cl2 gives 2HCl, ये हो जाएगा।
बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4, इसे मिलेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसको बैलेंस करना है। फिर देखिए सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब Na प्लस H2O गिव्स NaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। फिर लिखा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, मतलब बेरियम क्लोराइड है एंड सोडियम सल्फेट है इन वाटर, तो इस तरह से आपको करना है, इन सबका सॉल्यूशन हम बाद में भेज देंगे। फिर लिखा बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग जब ये समझ गए हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो उसके टाइप्स देखेंगे कि कितने कितने टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो केमिकल चेंज होता है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कितने टाइप का होता है देखो बच्चों, पहले लिखा गया है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब जब दो पदार्थ आपस में जुड़ जाएँ, जब दो पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहाँ पे दो पदार्थ एक दूसरे में जुड़ जाते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब जुड़ना। इसी का दूसरा नाम है एडिशन रिएक्शन, इसका दूसरा नाम है एडिशन रिएक्शन भी इसका दूसरा नाम है। देखो यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया गया, मतलब चूना पत्थर है इसको क्विक लाइम कहते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं तो ये उबलने लगता है, तो इससे क्या मिल जाता है आपको, स्लैग्ड लाइम जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकलती है। तो इसमें क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने से पानी इसी में जुड़ गया और ये क्या बना लिया, चूना पानी में। इससे हम लोग घर की सफ़ेदी करते हैं, जो स्लेक्ट लाइम है इससे घर की सफ़ेदी की जाती है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या एक एग्जांपल है किसका, एडिशन रिएक्शन का या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, उसको आप लोग देख लेंगे। दूसरा देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब टूट जाना, मतलब टूट जाना। उसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से टूट जाता है। यहाँ लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, यही फार्मूला चूना पत्थर का है, यही फार्मूला संगमरमर का है और यही फार्मूला जो है कैल्साइट का भी है। तो इस तरह से ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको चूना कहा जाता है, चूना पत्थर कहा जाता है, इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो जहाँ पे एक सबस्टेंस से एक से अधिक सबस्टेंस बन गए, देखिए एक यहाँ पे था, यहाँ पे बन गया, इसको बन गया, तो जहाँ एक सबस्टेंस से एक से अधिक सबस्टेंस बन जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर लिखा है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, क्या लिखा है, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। जहाँ पे एक आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम दूसरे आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम को हटा देता है, जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा ए प्लस बी, दोनों रिएक्शन किए तो बना लिया, मान लिया ए बी, ए बी बना लिए। अब मान लिया ए बी से सी रिएक्शन किया तो ये क्या बना लिया, ए सी बना लिया, यहाँ पे बना लिया ए और सी, और किसको अलग कर दिया, बी को अलग कर दिया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सी ने बी को क्या किया, अपनी जगह से हटा दिया, उसकी जगह से अपना खुद आ गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अब आप लोग देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है एफ ई, रिएक्शन किससे करा रहे हैं, रिएक्शन किससे, CuSO4, एफ ई प्लस CuSO4। अब ये एफ ई क्या कर रहा है, सी यू को यहाँ से हटा दे रहा है, खुद आ जा रहा है अपना, एफ ई एस ओ फोर बना लिया और सी यू को हटा दिया। इस टाइप के रिएक्शन को बच्चों क्या कहते हैं, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं, और आगे में डबल डिसप्लेसमेंट दिया क्या,
पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी दिया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। चलिए इसी को देख लेते हैं, क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर एक ही मिला देते हैं तो ओ एक्स आई इसका ले लिए, है ना, तो यहाँ पे आर ई डी, तो दोनों को मिला के कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आर ई डी इसका ले लिए, आर ई डी रिडॉक्स का ले लिए, ये तीन अक्षर, और इससे क्या ले लिए, ओ एक्स, ये ओ एक्स उसका ले लिए, तो हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो उसकी पहचान के कुछ नियम है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे। ऐसे लाइन खींच देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ लिख देते हैं रिडक्शन, एक को याद करेंगे दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। ऑक्सीडेशन का होता है जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, या हाइड्रोजन निकलेगा उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, या फिर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इसमें जुड़ जाए। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ रहा है तो क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। या फिर निकले, कौन निकले, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये अगर निकलेगा तो क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। इतनी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, ये किसी में और है, आपके सिलेबस में नहीं है वो। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा। अब इसी का उल्टा रिडक्शन, जैसे यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ कह दीजिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ कह दीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन हो गया। एक डेफिनेशन याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब देखिए सी यू है ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रिएक्शन हो गया। सी यू ओ है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब दोनों को आपस में जोड़ लिया, इस रिएक्शन को आपस में जोड़ लिया तो इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जब दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको देख लेना, बाकी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो अपनी ज़िंदगी में आप देखते हैं, देखिए क्रोजन हो गया, रेंसिडेटी हो गया। क्रोजन क्या होता है, जैसे लोहा वोहे में जो जंग लग जाता है उसको हम लोग क्रोजन बोलते हैं। रेंसिडेटी क्या होता है, जो फूड आइटम्स होते हैं हमारे, जब उनसे बदबू आने लगती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है। अब बच्चों, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर रिडक्शन भी होता है, उसको एक चीज़ और इसे ध्यान रखना है। मान लिया कोई ऑक्सीडेशन है और कोई रिडक्शन रिएक्शन है, दो ही रिएक्शन होते हैं, तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा पूछा जाता है। और तो चैप्टर में कुछ है नहीं, इसको बाकी देख लेना। और ऐसे देखते देखते देख रहे हैं 14 मिनट का आपका वीडियो बन गया है, और लिखने के लिए तो ये चैप्टर हम भेज ही दिए हैं पहले ही। बाकी इसमें और कोई समस्या होगी तो बातचीत कर लीजिएगा, या हम लोग कब मिलेंगे, जो हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।